हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आप सभी का एटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। सो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो हम सीखेंगे आज, वो उन बिगिनर के लिए है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है और जिनका जीरो से जो स्टार्टिंग होती है वो हम शुरू करेंगे आज के टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एमएस वर्ड है, मैं एक्चुअली यहाँ से ओपन किया हुआ नीचे। यहाँ से जाते, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये जो आप देख रहे होंगे सारा, ये लाइन है पूरा, ये इस पूरे लाइन को हम बोलते हैं टास्क बार। तो सिंपली मैं जाता हूँ एमएस वर्ड के अंदर, मैं इसको क्लिक करता हूँ डबल क्लिक। सो ये आपका एमएस वर्ड, मेरे पास एक्चुअली क्या है, 2019 का वर्जन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर एक ब्लैंक पेज लेंगे, ये जो है इसे ब्लैंक पेज बोला जाता है। तो वर्ड की भाषा में, हम तो अपनी भाषा में इसको ब्लैंक पेज कह सकते हैं, पर कंप्यूटर के लाइन के अंदर खाली पेज को हम बोलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि आपके सामने एक ये पूरा कवर जो है, ये व्हाइट एरिया दिखाई दे रही है, ये खाली पेज है। तो आप इसमें जो भी टाइप करना चाहते हो वो टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम यहाँ पर लिखता हूँ, अमित शर्मा। अब जो भी चाहो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर मैंने लिख दिया है। अब सबसे पहले ये जो हमने लिखा हुआ है, इसको मतलब एक्चुअली इस फाइल को मुझे एक नाम देना है। तो जब भी हम किसी भी न्यू फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको चलना है ऊपर ये लिखा हुआ फाइल। तो फाइल में जैसे क्लिक करेंगे, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यू ओपन इन्फो सेव सेव, ये सारे जो है इन सभी को सिंगल सिंगल कमांड बोला जाता है। तो अभी के लिए जो हम कमांड कर रहे हैं वो है हमारे लिए सेव एज। सेव एज का मतलब होता है जब भी आप कोई नया फाइल क्रिएट करते हो और उस फाइल को एक नाम देना चाहते हो तो आपको हमेशा किस में आना है, सेव एज के अंदर ही आना है। अब जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने क्या होगा, एक सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें जो अपनी फाइल सेव करनी है वो कहां पर करनी है, तो हमें सिंपली चलना दिस पीसी के अंदर, यहां पर डबल क्लिक करना है आपको, तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में सबसे पहले आपको यह देखना है जो आपकी फाइलें हैं वो सेव होती है, वो किस लोकेशन में सेव कर रहे हो आप, उसका ध्यान देना जरूरी होता है। अभी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन यही है जो आपने लेफ्ट में देख रहे हो, अभी ये डेस्कटॉप है, डाउनलोड से, डॉक्यूमेंट से, तो ये सारी के सारी जो चीजें है ना, ये इनको हम क्या कहते हैं, लोकेशन कह सकते हो या डिस्क कह सकते हो, ड्राइव कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो इनमें जो है, जो मेरी फाइल है बाय डिफॉल्ट सेव कहाँ पर होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल सेव होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो हमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल है तो अपने इम्पोर्टेंट फाइल को कभी भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, और अब थोड़ा नीचे आएंगे, ये छोटी सी ट्रायंगल यहाँ क्लिक करेंगे आप डबल लेफ्ट क्लिक, तो अभी नीचे आ जाओगे। एक इसमें आता है लोकल डिस्क सी, इन तीनों के अंदर कभी भी इम्पोर्टेंट फाइल को सेव नहीं करने हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि सर आपने बता दिया नहीं करने, अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करने। तो इसीलिए नहीं करने क्योंकि होता क्या है कि आपने सुना होगा शायद कि कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल्ड होती है, और ये जो आपके विंडो इंस्टॉल्ड होती है वो हमेशा क्या होता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, सभी के अंदर लोकल डिस्क सी के अंदर ही वो विंडो इंस्टॉल होता है। और साथ में फिर चलिए सी का तो मुझे समझ में आ गया कि विंडो इंस्टॉल होती नहीं करना है, पर इसके जो ऊपर है डेस्कटॉप और मैंने जो कहा था डॉक्यूमेंट, इनके अंदर सेव क्यों नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है, जो डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप है ये सी का ही पार्ट होता है। अगर मान लो इन केस आपने कभी अपने कंप्यूटर विंडो इंस्टॉल कर दिया है, कुछ दिनों के बाद आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर वाला इंजीनियर आएगा आपके पास, वो पूछेगा भाई क्या है क्या नहीं, तो हम उसे बोलेंगे कि सर इसमें ये दिक्कत है, हमारे लैपटॉप नहीं चल रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो चेक करेगा जो भी होगा। देखो प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, पर वो क्या करे, चेक करने का हमें बोलेगा जी इसमें क्या हुआ कि विंडो जो है सिस्टम के अंदर करप्ट हो चुका, मतलब किसी ने गलती से या तो कोई वायरस आ गया है या किसी ने कोई फाइल डिलीट कर दिया है विंडो में से, तो इस वजह से वो सिस्टम आपका स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यही है जो सी के अंदर पुराना विंडो इंस्टॉल्ड है ओल्ड वाला, तो उसे प्रॉपर डिलीट करके
और आपको नए सिरे से इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब वो सी को डिलीट करेगा तो सी में जो भी आपकी चीजें थी वो तो डिलीट होएगी होएगी, साथ में जो सी का पार्ट है डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप इसके अंदर भी जो चीज सेव होगी ना वो भी आपके डिलीट हो जाएगी, वो आपकी वापस नहीं आएगी। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारी जो चीजें हैं फाइलें हैं वो वापस आ जाए? तो हमेशा ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमेशा सी को छोड़ के इसके अलावा नीचे ए से लेके जेड तक कुछ भी आ जाए उनके अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, जिससे कि इनके अगर कंप्यूटर खराब हो भी जाए तो हम अपने कंप्यूटर वाले को बोल देंगे भाई काम करो, सी को जो करना है करो पर डी और ई को कुछ मत करना। तो बोलेगा कोई इशू नहीं है, हमें तो सिर्फ सी से ही मतलब है, बाकी डी और ई से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब कंप्यूटर दोबारा ठीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डी में से अपने डेटा को रिकवर कर लेंगे। आया समझ में आप लोगों को? तो चलिए मैं अपने फाइल को फिलहाल सेव करता हूँ डी में। जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, अगर मैं डी पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ऊपर क्या आ रहा है, लोकल डिस्क डी। अब हमारी फाइल कहाँ सेव होगी, डी में होगी। अब चलते नीचे लिखा फाइल का नाम, तो यहाँ पे वैसे भी कुछ लिखा रहा अमित शर्मा, तो आप चाहो जो भी आपको देना है नाम दे सकते हो, तो मैं सिंपल यहाँ पर अमित लिख देता हूँ। तो ये कहते हैं अमित फोटो के नाम से फाइल है, अमित शर्मा के नाम से, पर अमित के नाम से नहीं है, वो सजेस्ट कर रहा है सेम नाम की फाइल नहीं बनाएंगे। तो अगेन चलता और सेव पे क्लिक करते हैं, तो हमारी फाइलें क्रिएट हो चुकी है। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि जो हमने फाइल क्रिएट किया है वो फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मालूम ऐसे लगा सकते हैं, अब ऊपर देखिए एक लाइन आ रही है पापा, दिख रहा आपको ये वाला, ये जो पूरी जो लाइन है ना, ये इस पूरे लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। अब इसमें देखिए टाइटल बार में लिखा आ रहा अमित, क्योंकि हमने फाइल का नाम दिया था अमित, इसका मतलब जो मेरी फाइल थी वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो मान लो हमने फाइल तो क्रिएट कर लिया है, करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी फाइल है उसे मैं आज के लिए ऑफ करना चाहता हूं, फिलहाल मुझे इसमें कोई काम नहीं है। तो अब अगेन चलेंगे फाइल के अंदर और इसमें कमांड आती है, सबसे नीचे देखेंगे क्लोज, क्लोज का मतलब होता है कि जो फाइल हमने बनाया हुआ है ये ओपन किया हुआ है उस फाइल को क्लोज करने के लिए। तो सिंपल यहां पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के साथ ही देखेंगे कि ऊपर से हमारे फाइल का नाम हट चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, और कोशिश करूंगा भाई कि आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।